हाय, आई एम साक्षी। वेलकम टू आवर चैनल, जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ खास खबरें। बात करें पुष्पा और राधे श्याम फिल्म की, तो फैंस इसे लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में हैं। वो इस फिल्म को जल्द से जल्द थिएटर्स में चाहते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इन दोनों की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि जहाँ इन दोनों की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है, वहीं कोरोना के दूसरे वेव के कारण इन दोनों की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। वैसे पुष्पा की बात करें तो पुष्पा में आपको स्टाइल स्टार अल्लू अर्जुन नजर आएंगे, वहीं राधे श्याम में आपको प्रभास नजर आएंगे। बात करें प्रभास की, तो प्रभास ने अपनी पहचान बाहुबली से बनाई थी। जी हाँ, इनकी दो फिल्में बाहुबली द बिगनिंग और कंक्लूजन काफ़ी ज़्यादा हिट हुई थी। वहीं बात करें पुष्पा और राधे श्याम की, तो आपको बता दें कि इन दोनों के एक्टर यानी कि प्रभास और स्टाइल स्टार अल्लू अर्जुन जल्द किसी एक फिल्म में नजर आएंगे। जी हाँ, दोनों ने बताया कि ये दोनों एक साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास अभी फिलहाल कोई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं आई है। बात करें इनके स्टारडम की, तो आपको बता दें कि जहाँ प्रभास अपनी एक फिल्म के लिए 80 करोड़ रुपए लेते हैं, वहीं पर पुष्पा के स्टार स्टाइल स्टार अर्जुन अपनी एक फिल्म के लिए 50 करोड़ रुपए लेते हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रभास तो पूरे देश विदेश में अपनी एक पहचान बना चुके हैं, लेकिन स्टाइल स्टार अल्लू अर्जुन भी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनके ना सिर्फ साउथ में बल्कि हर जगह फैन फॉलोइंग है। वहीं अब देखना ये काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि आखिर कब तक अल्लू अर्जुन और प्रभास किसी एक फिल्म में धमाल मचाते दिखे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।